गुड मॉर्निंग दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के बारे में, जो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर इसी क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों आपको, और इस क्लास को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी दो दिन के बीच में दो दिन क्लास नहीं लगी थी कोई कारणवश, तो इसीलिए मैं आज इस क्लास को शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको लगाना ना भूलें। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है कि किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों के लिए डिजिटल सेंगेज वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र बनने की घोषणा की है दोस्तों। तो कौन सा देश है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, तो वो है फ्रांस। कौन सा देश है दोस्तों, फ्रांस देश है। कौन सा है, फ्रांस। अगर हम बात करें फ्रांस देश के बारे में दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्रांस की घोषणा की है कि वह सेगेन वीज़ा प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन करने वाला पहला यूरोपियन देश होगा, जिसकी शुरुआत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए 70,000 से अधिक आवेदकों से होगी दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, अभी पहला कौन सा देश है, तो कौन सा है, फ्रांस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा शहर 2028 ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा शहर ओलंपिक 2028 की मेज़बानी करेगा, तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों आपको बताना है, पेरिस, रोम, लॉस एंजल्स या जिनेवा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, तो लॉस एंजल्स है। कौन सा है दोस्तों, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो एक यहाँ पर एक मज़ेदार बात और हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मंजूरी के बाद में क्रिकेट सहित 5 खेलों को 2028 में लॉस एंजल्स खेलों में शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो पहली बार अगर आपसे पूछे ना क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कब किया गया है, तो 2028 में किया गया है। कब, 2028 में किया जाएगा दोस्तों, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एक मंजूरी भी दे दी गई है, अभी क्रिकेट को अब शामिल किया जा सकता है 2028 में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, विशेष ओलंपिक खेल 2023 में। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 202 ओलंपिक जीते थे दोस्तों। कितने, 202 ओलंपिक, 202 पदक। अब इसकी बात करें तो दोस्तों विशेष ओलंपिक खेल 2023 में 76 तो स्वर्ण पदक थे से सहित 202 पदक जीते हैं। कितने, सॉरी गोल्ड मेडल कितने थे दोस्तों, तो 76 थे इसके अंदर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, विशेष ओलंपिक खेल विश्व खेल 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी, भारत, जापान, जर्मनी, यूएसए। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, जर्मनी ने की थी। किस देश ने की थी, जर्मनी ने की थी। जर्मनी की अगर बात करें दोस्तों, तो विशेष ओलंपिक विश्व खेल 17 से 25 जून 2023 तक बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया जाएगी गए थे दोस्तों। समझ में आ रही है, 17 से 25 जून के मध्य कहाँ पर, बर्लिन जर्मनी में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करता है, तो कौन सा देश करता है दोस्तों, जर्मनी करता है। कौन सा देश है, जर्मनी करता है। कौन सा देश करता है, जर्मनी करता है। जर्मनी की अगर बात करें तो विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन 17 से 25 जून तक जर्मनी में आयोजित किए गए थे दोस्तों। कहाँ पर किए गए थे, जर्मनी में आयोजित किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस पर बहुत सुंदर सा और अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको, विचार करना है दोस्तों। क्या करना है, विचार। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती
चैंपियनशिप में पदक में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान है दोस्तों। दूसरा है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में उज्बेकिस्तान के दोलेट नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। यह उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है, या केवल 1 है या केवल 2 है, या 1 व 2 दोनों है, या न तो 1 है न ही 2 दोनों है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है केवल 1 है, केवल 1 है दोस्तों। क्या है? केवल 1। क्यों है दोस्तों केवल 1? क्योंकि बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के दोलेट नियाज बेकोव को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। और चैंपियनशिप में कितने पदक जीत चुका है? 4 पदक, एकमात्र भारतीय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भारत और समुद्र राज्यों से प्रतिबंधित पारंपरिक खेलों के निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित बताना है दोस्तों इन युग्मों के अंदर। तो पहला ये है कि कर्नाटक कंबाला भैंस दौड़, केरल में कोडिप्पा डैम मुर्गों की लड़ाई, पंजाब में ग्रामीण ओलंपिक बैलगाड़ी दौड़, पश्चिमी बंगाल में बुलबुल पक्षी लड़ाई, और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही पहला आंसर क्या है दोस्तों? सही है तीसरा सही है, और कौन सा है? पांचवा सही है। पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा हो रहा है सही इसके अंदर? तो इसके अंदर डी सी सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है दोस्तों? सी सही हो रहा है। तो सी सही इसका सही आंसर है दोस्तों। अब बात करें कुछ प्रतिबंधित पारंपरिक खेलों में कर्नाटक की कंबाला भैंस दौड़, आंध्र प्रदेश की कोडिप्पा डैम मुर्गों की लड़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की, और पंजाब में ग्रामीण ओलंपिक बैलगाड़ी दौड़, असम की बुलबुल पक्षी लड़ाई है। किसकी? असम की। क्या है दोस्तों? बुलबुल पक्षी लड़ाई किसकी है? असम की। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है दोस्तों? कोडिप्पा डैम मुर्गा लड़ाई। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो कराटे रग्बी गोल्फ, या नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है केवल 1, यानी कराटे को चुना गया था। ए बी सी और डी, इसमें सही आंसर कौन सा है? केवल 1। किसे चुना गया था? कराटे को। टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक में पहली बार कराटे को शामिल किया गया था दोस्तों। किसे शामिल किया गया था? कराटे को शामिल किया गया था इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि ओलंपिक और अन्य खेल टूर्नामेंट के लिए एथलेटिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? मिशन ओलंपिक विन, या लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, या एक राज्य एक खेल पहल? नीचे दिए गए युगों में इसका क्या बताना है दोस्तों? सही आंसर है बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? एक पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और कौन सा? तीसरा भी, यानी 1, 2, 3 किस्म आते हैं तो डी के अंदर। 1, 2 और 3 ही क्या है दोस्तों? सही है, तीनों ही क्या है? सही है। तो अगर इसकी बात करें तो ओलंपिक और अन्य टूर्नामेंट के लिए एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन ओलंपिक विंग चलाया गया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाई गई, वन स्टेट वन गेम पहल जैसी पहल क्या की गई है दोस्तों? शुरू की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या सिक्किम? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय ने 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक
उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की क्या की है दोस्तों, मेजबानी की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद।